सुम 13 हम आपको इंजन के साथ दिखा रहे हैं, जजीद लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम आपको कवर के साथ दिखा रहे हैं, आप टायर भी देख सकते हैं किस कंडीशन में टायर बचा हुआ है, क्योंकि मोटर बाइक है, बच्चों का मोटर बाइक जो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं शमशेर ब्लॉग्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शमशेर ब्लॉग्स में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको सेकेंड हैंड कार आज भी दिखाने वाले हैं कि और आज के दिन फ्राइडे के दिन कौन कौन कार अवेलेबल है, जो कि गदीम सनैया ताबुक के अंदर कौन कौन कार आई है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से आपको इतना तो कम से कम मालूम हो ही जाएगा, ताकि सेकेंड हैंड कार आप ले रहे हैं तो कितना प्राइस होना चाहिए, अगर यारिस ले रहे हैं तो क्या प्राइस है, एक्सेंट ले रहे हैं तो सेकेंड हैंड का क्या प्राइस। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड। और इस वीडियो में आपको लगभग आज के दिन मेला से बढ़ के भी मेला लगता है आपको, आप उसमें हर एक एक वैरायटी कार आपको मिलने वाली है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो आपका सदीक है जिसको कार के बारे में कुछ नॉलेज हो उसको लेकर ही कार कभी भी खरीदे, नहीं तो आपका कोई अगर सदीक मैकेनिक है तो उसको आप लेकर आए और कार को अच्छे से चेक करें। उसके बाद कंप्यूटर फहास कराना ना भूले, लाजिम कंप्यूटर फहास करा लेंगे तो आपका जो दिल के डाउट है वो आपको उसमें धोखाधड़ी नहीं होने वाली है, इसलिए कि गाड़ी एक्सीडेंटल भी आती है, हर तरह दोबारा डेंट वेंट निकाल करके अच्छे से उसको फिर मरम्मत करके और फिर उसको रीसेल में लगता है। तो अगर आप कंप्यूटर से चेक करवाइएगा तो आपको इतना पता लग जाएगा कि कार आपकी एक्सीडेंटल है। गियर मकीना और करा रहे हैं इंजन का और गियर का, तो आपको कम से कम 200 रियाल देना होगा, जो कि आपको कंप्यूटर फास का। बाद उससे बोले कि भाई हाँ ये कार हमको लेना है, हमको पसंद है, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पे अगर हम 10,000 रियाल अगर आप हम आपको देंगे, इसके बीच में आपको कंप्यूटर हम फास्ट चेक करवाएंगे, अगर कंप्यूटर फास्ट कार पास करती है तो उसका पैसा हम देंगे, अगर कार फेल करती है कंप्यूटर फास्ट का तो मेरे ऊपर है हम कार को ले या ना ले, लेकिन आपको पैसा उसका देना होगा कंप्यूटर फास्ट का, ठीक है ना फ्रेंड। तो कम से कम इतना आपको मालूमात हो जाना चाहिए, बिल्कुल वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज के इस ताबुक की गदीम सनैया के अंदर कौन कौन कार अवेलेबल है। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आज की ये पहली यारिस आपको होने वाली है, जो कि पहले मैं आपको चारों साइड से वॉक राउंड करवा दूँ ताकि ये कार कौन कंडीशन में कैसी है, फिर उसके बाद हम ऑनर से बात करेंगे। इसके प्राइस के बारे में आप देख सकते हैं चारों साइड साइड का, आउटसाइड का इसका व्यू देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन में है कार, ब्लैक कलर में है यारिस, जो कि खास डिमांड वाली कार है। आप देख सकते हैं इसका कवर वगैरह भी अभी सही है, फ्रंट में भी आप देख सकते हैं इसका सदम वगैरह सब सही है, जो कि बम्पर वगैरह बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, आप देख सकते हैं इसको। और अभी ये देखिए आपके दूसरी साइड का भी हम आपको लुक दिखा रहे हैं, चारों साइड का आपको लुक दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में कार है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये कार आपको गदीम सनैया ताबुक के अंदर मिलेगी, आपको वीडियो में नंबर भी मिलेगा, बात कर सकते हैं आपको। हम इंटीरियर दिखा रहे हैं, अभी देखिए इंटीरियर इसका क्लोजोमीटर जो है सेंटर में आता है, पुरानी वाली यार इसको आपको पता है, अंदर सीट कवर वगैरह पीछे का देखिए सीट इंटीरियर आप देख सकते हैं, इंटीरियर आपका पीछे का भी सीट कवर वगैरह बिल्कुल अच्छा ही है। अभी चाहे तो कुछ इसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं उसको साफ सफाई करा सकते हैं, मैट वगैरह लगा हुआ है, इस कंडीशन में आपको यारिस है। तो फ्रेंड इसका एक और प्लस पॉइंट आपको है कि इसकी ये पावर विंडो में आती है, ये मैनुअल नहीं है, ये पावर विंडो है, आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है। तो फ्रेंड आप बैक प्रोफाइल देख सकते हैं, बैक प्रोफाइल आपको इस कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, पीछे से भी आपको कोई सदम उदम ठुकी उकी नहीं है, कार अच्छी कंडीशन में है, कहीं भी कलर वगैरह थोड़ा भी जो है थोड़ा मोड़ा जो ओरिजिनल स्क्रेच आया हुआ है वैसा ही है, उसको टचअप वगैरह नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। ऑल ओवर लुक आप देख ही लिए कि कार की क्या कंडीशन है, पीछे वाला भी आप कवर देख सकते हैं टायर, आप आगे वाला भी टायर देख सकते हैं, कुछ परसेंट अभी बचा हुआ है, 50-60% बचा हुआ है, आप कुछ दिन इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी जो लगी हुई है साइड से वो आपको बिल्कुल जेन्युइन कलर जैसा स्क्रेच आया हुआ है वैसे ही आपको दिखाया जा रहा है। चारों टायर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, कोई भी अगर टायर आप ले रहे हैं तो आप कुछ दिन आपको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, देख रहे हैं कुछ दिन के बाद आपको चेंज करना होगा। तो चलिए हम ऑनर से बात करते हैं इसका क्या प्राइस है और क्या डिमांड है। मदल मदिर गेंदा कलाम अल्फेन असरा कम कलाम फलूस सुम तला तासली इंदा कम इबगा आखिर खमस्तास। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इंजन वगैरह हम सब दिखा दिए और ऑनर का
कहना है कि 2010 मॉडल है और इसका प्राइस चाहिए उनको 15,000 रियाल। नंबर आपको वीडियो में मिलेगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की ये दूसरी कार होने वाली है जो कि शेवरलेट ओप्त्रा है। आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा है, ये भी ब्लैक कलर में है, ऑटोमेटिक है। आजकल आपको पता है ऑटोमेटिक कार का खास करके ज़्यादा डिमांड है, और इससे पहले भी जो थी यारिस वो भी ऑटोमेटिक थी और वो भी ब्लैक कलर में थी। ये दोनों ब्लैक कलर में कार है और वो थी 2010 मॉडल और ये है 2009 मॉडल। तो चलिए इंटीरियर हम आपको दिखा देते हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अच्छी कंडीशन में कार है। शेवरलेट ओप्त्रा है 2009 मॉडल और इसका प्राइस है 11,500 रियाल। आप देख सकते हैं जिन भाई को अगर चाहिए तो नंबर मिल जाएगा वीडियो में, कॉल करके बात कर सकते हैं डायरेक्ट ओनर से, कार ओनर से। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड पीछे का भी आप सीट देख सकते हैं। पीछे का सीट आपको इस कंडीशन में बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही कुछ दिन चला सकते हैं, नहीं तो आपका मर्जी, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कार का अभी कंडीशन अच्छी है। चलिए हम आपको बर्नेट खुलवा के इंजन देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए अभी इंजन खुल चुकी है, आप देख सकते हैं इसका इंजन भी हम आपको बकायदे अच्छे से दिखा रहे हैं, ताकि कोई मेरे व्यूअर्स का कमेंट है कि भाई आप गाड़ी अच्छे से नहीं दिखाते हैं, तो हम आपको इंजन के साथ दिखा रहे हैं। आप इंजन देख सकते हैं कार की स्थिति और कंडीशन, आपको ऊपर में इंजन के ऊपर जो कवर लगा हुआ है बिल्कुल वैसा ही है, कहीं से भी आपको इसमें मतलब तेल लीकेज वगैरह का कहीं नहीं नज़र आ रहा। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है कि कार की हालत और कार की कंडीशन कैसी हालत में कार है, आप देख सकते हैं। और जिन भाई को अगर ये कार चाहिए तो डायरेक्ट ओनर से आप बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं बैक का इसका लुक ऐसा है। कार आपको लेने के बाद फर्स्ट तो पहले आपको काम करना होगा, इसको धुलवाना होगा, कार को वॉशिंग करना होगा आपको। अगर वॉश कर देते हैं एक बार तो फिर ये कार आपको चमचमाती हुई नज़र आएगी। आप देख सकते हैं ऐसे लुक में ये कार आपको बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, ऑटोमेटिक कार है, 2009 मॉडल है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ ये कार का प्राइस है 11,500 रियाल, 11,500 रियाल जिन भाई को अगर देना होगा ये कार ले सकते हैं। अच्छी कंडीशन में कार है, ऑटोमेटिक गियर में है, ब्लैक कलर में। आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक आप देख चुके हैं, इंटीरियर भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की तीसरी कार की तरफ। आज की तीसरी कार कौन होने वाली है? तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आज की ये तीसरी कार है निसान सनी। आप देख सकते हैं निसान सनी भी डिमांडेड कार है, अच्छी क्वालिटी में कार मानी जानी जाती है। इसका भी स्पेयर पार्ट सऊदी अरबिया के हर जगह मिलता है लगभग। और तो आप इसका ओवरऑल लुक पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इसके प्राइस के बारे में हम जानेंगे और इसका मॉडल के बारे में। तो पहले आप ओवरऑल लुक हम आपको दिखा देते हैं कि आप कार का क्या कंडीशन है और कैसी हालत में ये कार है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स लोगों का कमेंट था कि ब्रो आप कार को अच्छे से दिखाइए, कार को कम से कम पूरा वॉकराउंड करके दिखाइए, तब ये हम आपको कार दिखा रहे हैं जहाँ तक हमसे हो सकता है कि अच्छे से हम आपको दिखा दें। और देखिए ये कार की बैक प्रोफाइल है, अच्छी कंडीशन में है, सनी निशान की सनी जो कि जानी मानी कार है ये भी, वो भी 4 सिलेंडर में आती है। और आप इंटीरियर भी देख सकते हैं इस कंडीशन में इंटीरियर है बिल्कुल आपको अच्छा है। सीट कवर पे थोड़ा दाग धब्बा लगा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा वॉशिंग का जरूरत है, थोड़ा क्लीन व्लीन कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहे तो ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं उसको, 150 रियाल लगेगा, अच्छा हो जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये कार है। तो मेरे फ्रेंड लोग का अब बेसब्री से इंतज़ार होगा कि मॉडल जाने और प्राइस जाने। तो ये निसान की सनी 2011 मॉडल है और इसका प्राइस है 15,000 रियाल। आप इंटीरियर भी देख चुके हैं और एक्सटीरियर भी देख चुके हैं तो आपको प्राइस भी पता लग चुका है। स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, बिना देर किए आप डायरेक्ट कॉल करके और ओनर से बात करके कार को बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये कार आपको गदीम सनैया तबुक के अंदर मौजूद है। तो फ्रेंड हम आपको कवर के साथ दिखा रहे हैं, आप टायर भी देख सकते हैं किस कंडीशन में टायर बचा हुआ है, आपको आगे पीछे सब टायर हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको हफ्ते में 2-3 वीडियो इंशाल्लाह मिल ही जाएगा कि जो कि सेकेंड हैंड कार की प्राइस आपको पता लग सकेगा, आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी कार। फ्रेंड आज का भी एक और कार आ गई एक्सेंट, जो कि बहुत जानी मानी कार है, जो कि एक्सेंट का आदमी बोले तो कैंडल लेकर के ढूंढते हैं कि एक्सेंट हमको मिल जाए और वो भी ऑटोमेटिक में। तो वही आज आपके इस वीडियो में मिलने वाली एक्सेंट जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, 2010 मॉडल है
ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं कि किस कंडीशन में कार खड़ी हुई है। आप बैक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, जो इसमें थोड़ा मोड़ा लगा हुआ है वो आपको जेन्युइन है जो कि नज़र आ रहा है। उसको टचअप वगैरह चाहे डेंट निकाला वगैरह नहीं गया है, वैसे ही है आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कार को आपको रीपेंट कराया गया है, कार रीपेंट में है आप देख सकते हैं। इसको अच्छी कंडीशन में कार है। तो फिर चलिए हम आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं इस कार का। आप इंटीरियर देख सकते हैं, इस हालात में ये कार है जो कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक्सेंट 2010 मॉडल अच्छी कंडीशन में। आदमी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, खास करके सऊदी अरबिया के अंदर जो तलाबात के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी कार है ये, आप देख सकते हैं। और पीछे वाला भी सीट हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे वाला सीट का क्या स्थिति है और क्या कंडीशन है पीछे वाला सीट का। सीट कवर वगैरह आपको बिल्कुल जजीद लगा हुआ है, न्यू लगा हुआ है आप देख सकते हैं। और तो फिर चलिए हम आपको ओनर से बात करके हम बताते हैं आपका कि इस कार का प्राइस क्या है। और इस कार के ऊपर जहां भी आप एक्सेंट देखेंगे वहीं आपको पता लग जाएगा कि इसके ऊपर ज़्यादातर कस्टमर इसी कार के ऊपर आते हैं कि एक्सेंट मिल जाए तो अच्छी है। और कवर आप देख सकते हैं जिस स्थिति में कार है, इसको आपको लेने के बाद धुलवाना पड़ेगा। कवर वगैरह आप देख सकते हैं 50-40% आपको कवर बचा हुआ है। आपको हम चारों साइड का वर्क राउंड करवा दिए। तो इस कार का प्राइस है आपको 15,000 रियाल और 2010 मॉडल। तो फ्रेंड वीडियो में नंबर मिलेगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हम आपको हर गाड़ी का ओनर का नंबर देते हैं ताकि डायरेक्ट आप ओनर से बात करके और कार को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आज की एक और आपको टोयोटा की क्रोला जो आ गई, टोयोटा क्रोला, ये भी आपको ब्लैक कलर में, आप इसका ऑल प्रोफाइल आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में। इसका बिल्कुल कहीं भी पेंट दाग धब्बा थोड़ा भी नहीं है, आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है। लेकिन फ्रेंड ये आपको प्राइस थोड़ा इसका हाई होने वाला है ताकि ये कार ऊंच मॉडल में है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो पहले सबर कीजिए, पहले अच्छे से वॉक राउंड में इंटीरियर एक्सटीरियर पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको मॉडल और प्राइस हम बताते हैं। तो आप इंटीरियर देख सकते हैं, इंटीरियर आपका इस कंडीशन में बिल्कुल नीट इन क्लीन है, जो कि एक दाग धब्बा भी नहीं है इसमें, कहीं भी आपको कुछ क्लीनिंग का ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये कार आपको क्रोला ऑटोमेटिक म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी बिल्कुल A to Z फुल्ली लोडेड कार है। आप देख सकते हैं इसमें आपको लेने के बाद इसमें सिर्फ फ्यूल डालना है और सिर्फ चलना है। ये कार आपको बिल्कुल अगर नहीं लिए तो आप पछताएंगे ये कार में। ये कार आपको बिल्कुल अच्छी कंडीशन की है, लेकिन ये कार का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये कार आपको 2018 मॉडल है और इसका प्राइस है 40,000 रियाल। तो इस कार को जो भी भाई लेना चाहते हैं इस कार के लिए आपको 40,000 रियाल देना होगा। 2018 की मॉडल कार है, अच्छी कंडीशन में ये कार आपको तबूक गदीम सनैया के अंदर अवेलेबल है मौजूद। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं आज की इस वीडियो में खासम खास होने वाली है। आज की वीडियो में खासम खास एक कार गाड़ी लेकर के आए हैं जो कि मोटर बाइक है, बच्चों का मोटर बाइक जो कि रेत में रेस करने वाली है, जो कि सऊदी अरबिया के अंदर हमेशा देखे होंगे कि रेत के अंदर ऐसा ही बाइक से रेस करता है सब बच्चा का किड्स वाला ये बाइक है। और इसका प्राइस है आपको 1800 रियाल। जिन भाई को अगर चाहिए तो 1800 रियाल देना होगा ये बच्चों का मोटर बाइक लेने के लिए और अपना रेस लगाने के लिए रेत। तो फ्रेंड आज का वीडियो बस इतना ही तक, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना।